गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर क्षितिज बुक्का रसखान के सवैये करेंगे। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे थे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। सुजान रसखान और प्रेम विवाटिका इनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियां थीं। रसखान रचनावली के नाम में इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो कहाँ बसो, मेरो चरो निंद नंद की धेनु मजारन। इसमें रसखान जी कृष्ण भक्ति का के बारे में कहा गया है। रसखान जी क्या कहते हैं कि मानुष हो वही रसखाने की, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं ब्रज की गोकुल गांव के गवारों के बीच में रहूं। जो पशु हो कहां बस मेरो, कि अगर मुझे जानवर का जन्म मिले, पशु का मिले, तो मैं गायों के बीच में चरूं। पहान हो वही गिरी, पहान मतलब पत्थर, कि अगर मुझे पत्थर बनाओ वही गिरी उसी पर्वत का, जो कियो हरी छदर पुरंदर धारण। हरी छदर मतलब कृष्ण, पुरंदर मतलब इंदर। कि अगर मुझे अब पत्थर बनाओ तो उसी पर्वत का बनाना जिसको कृष्ण भगवान ने इंद्र का गुमान दूर करने के लिए धारण, इंद्र का मतलब प्रकोप दूर करने के लिए, वर्षा खत्म करने के लिए जब धारण किया था। जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग मतलब होता है पक्षी, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम मतलब कदम एक प्रकार का पेड़। कि अगर मुझे आप पक्षी बनाओ तो मैं उसी यमुना के किनारे कदम की डाल पर झूलता रहूं। सेकंड है या लकुरी अरो कामरिया। लकुरी मतलब लकड़ी, कामरिया मतलब कंबल। कि जब कृष्ण भगवान गायें चराते थे तो उनके हाथ में लकड़ी और ऊपर शरीर पर कंबल होता था। या लकुरी अरो कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कि मैं लकड़ी और उस लकड़ी और कंबल के पीछे तीनों लोकों के राज को छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गायें चराए बसेरू। कि मैं नंद की गायों के पीछे आठों सिद्धियाँ और नवनिधियों के सुख को त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आंखन सो, आंखन मतलब आंखों। रसखान कवि कहते हैं कि कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वन मतलब बनी, तड़ाग मतलब तालाब। रसखान जी कहते हैं कि कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग को देखूंगा निहारूंगा। कोटिक एक कल धोत के धाम, कोटिक मतलब करोड़ों, कल धोत मतलब महल। करोल के कुंजन ऊपर, करोल मतलब होता है कांटे, कि कांटे के कुंजन के लिए मैं करोड़ों सुख के महल छोड़ सकता हूँ। मोर पंखा सिर ऊपर राखी, कुंस की माल गहे पहरोगी। इसमें गोपियों के रूप में रसखान जी क्या कहते हैं कि जिनके सिर के ऊपर मोर का पंख रहता है, कुंज की माल के पीछे मैंने उछावर कर सक ओढ़ पितंबर, और जिनकी जिनके शरीर पर पीला कपड़ा वो ऊपर डालते थे और लकड़ी हाथ में लेते थे, उनके पीछे क्या गायों में के बीच में मैं चरता रहूं। भावत मोही मेरे रसखानी, तेहे कब स्वांग रिचाई। कि ये मेरा कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम है, मैंने कोई स्वांग षड्यंतर नहीं रचा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। स्वांग मतलब नाटक या षड्यंतर। या मुरली मुरलधर की अधरान, अधरान होता है निचले वाला होठ। कि किंतु मैं कृष्ण भगवान की मुरली नहीं बनना चाहता, कि जो निचले होठ पर रहती हैं। इसमें गोपियाँ क्यों नहीं बनना चाहती मुरली, क्योंकि वो मुरली को अपनी सोतन मानती हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान जो है मुरली हमेशा अपने साथ होठों पे ही रखते हैं। कानिंदी रहियो जबी मुरली धुन मद बजियो। कि जब आप मुरली बजाते हो तो उस मुरली की धुन पर क्या सारे ब्रजवासी जो है आ जाते हैं। मोहिनी तनो सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन लई। कि जब हम मुरली की धुन नहीं भी सुनना चाहते और कुछ लोग तो क्या है अटारी मतलब छत पर चढ़ जाते हैं। टेरी कहाँ सिंगरे ब्रजगोली, काली को कितनो समझायो। माई री मुक्की मुस्कानी, समरी न जेई रे। कि इस मुस्कान के पीछे जो है सारे ब्रजवासी जो है दौड़े चले आते हैं।
थैंक यू।